नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन अपने इस करंट अफेयर की क्लास में SSC, बैंक, रेलवे, UP पुलिस, UPSI, UP लेखपाल, UP BDO, जूनियर असिस्टेंट, या तो फिर साथियों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम हो या तो अदर स्टेट का भी कोई एग्ज़ाम हो, साथियों जो भी कंपटीशन से रिलेटेड होता है उन सभी एग्ज़ामों के लिए हमारी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होती है। साथियों, आजकल जितने भी एकदिवसीय परीक्षाएं हो रही हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में तीन से चार क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन साथियों प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिलेक्शन के दृष्टिकोण से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ की व्यू से भी। साथियों, अगर हमारी इस क्लास को देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, और इसमें साथियों हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इस समय एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों से पुटअप कर रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन या किस प्रकार की जानकारी आप लोगों से जानना चाहता है। उन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद साथियों आप लोगों को प्रत्येक दिन यहाँ पे करंट अफेयर के बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ विस्तृत, जितना विस्तृत हो सकता है, किसी भी एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है साथियों, उन सभी जानकारियों को आप लोगों को देने की कोशिश की जाती है। मैं आशा भी करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को दी जाती है मेरे द्वारा जो भी करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को दी जाती है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती होगी, आप लोगों को समझ में भी आती होगी साथियों। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग अपने हाथ से लिखी हुई प्रॉपर नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर करते होंगे। साथियों, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जैसे जैसे मैं चीज़ें यहाँ आपको बताता हूँ, उन सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज पॉइंट डाल के आप लोगों को अपने नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में भी काफ़ी मदद मिले। क्योंकि जब आप अपने हाथ से अपने नोट्स को प्रिपेयर किए रहेंगे, चीज़ों को अपने हिसाब से पॉइंट वाइज पॉइंट नोट किए रहेंगे, तो जब आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है साथियों, और रिवीजन अत्यंत आवश्यक है, किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप एक दिवसीय परीक्षाओं की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपका रिवीजन नहीं है तो चीज़ें आपको भूलती चली जाएंगी, या तो जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो आपको डाउट क्रिएट होता रहेगा। इस वजह से साथियों आप लोगों को रिविज़न करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, और रिविज़न करना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। एक जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहता हूँ साथियों, कि आपके अपने ही YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए, यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों कंबाइंड बैच लॉन्च किया गया है, जिस बैच का नाम सिलेक्शन बैच है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है साथियों। इस सिलेक्शन बैच में आप लोगों को प्रत्येक दिन तीन क्लासें यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के तीनों के सिलेबस को मर्ज करके एनालिसिस किया गया, और तीनों के सिलेबस को टारगेट करते हुए आप लोगों को प्रत्येक दिन क्लासें दी जाती हैं। साथियों, अगर हम इसकी बात करें साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि एक क्लास सुबह 10 बजे की नियर अबाउट आप लोगों को बाल विकास की अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की दी जाती है प्रत्येक दिन। दूसरी क्लास साथियों आप लोगों को हिंदी की क्लास दोपहर में 2 से 3 बजे की नियर अबाउट दी जाती है प्रत्येक दिन। और तीसरी क्लास साथियों इन दोनों का बाल विकास का और हिंदी का साथियों लगभग 90% सिलेबस समाप्त हो चुका है। तीसरी क्लास साथियों आप लोगों को प्रत्येक दिन सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड 3 दिन हिस्ट्री की, 3 दिन ज्योग्राफी की क्लासें चलाई जाती हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे, अर्थात इसी चैनल पे। ठीक साथियों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो साथियों आइए हम लोग करंट अफेयर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर की क्लास को करने का काम करते हैं। आज की सबसे पहली जानकारी है साथियों, करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो आज की सबसे पहली जानकारी है, जो कि हम लोगों को लिखना पढ़ना है, सबसे पहली जानकारी है कि पाकिस्तान ने फतह वन रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने फतह वन साथियों रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है।
सॉरी सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने फतेहवन राकेट सिस्टम का क्या किया है साथियों, सफल परीक्षण करने का काम किया है। और इसमें अगर हम बात करें साथियों, तो पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेहवन का सफल परीक्षण या सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। यह साथियों स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। जो फतेहवन साथियों रॉकेट सिस्टम है यह स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है, स्वदेशी रूप से निर्मित है साथियों, स्वदेशी रूप से इसे निर्मित किया गया है साथियों। और यह गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। कौन सा? गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट। लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम है। कैसा? यह साथियों गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है साथियों। यह फतेह वन जिसका नाम है और यह साथियों स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। इसे पाकिस्तान ने उड़ान कर सफलतापूर्वक परीक्षण इसका किया है साथियों। फतेह वन जो है यह हथियार प्रणाली जो है, फतेह वन हथियार प्रणाली दुश्मन के इलाके पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम होगा। इसका कार्य क्या होगा साथियों? यह हथियार प्रणाली की बात करें तो फतेहवन जो है साथियों हथियार प्रणाली दुश्मन के इलाके पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम होगा। दुश्मन के इलाके में साथियों क्या करेगा? पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम होगा। यह साथियों जो फतेहवन हथियार है यह दुश्मन के इलाके में, कहां? दुश्मन के इलाके में पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम होगा। साथ ही साथ और अगर बात करें तो सेना के महानिदेशक मीडिया विंग मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के अनुसार अगर बात करें तो फतेहवन हथियार साथियों प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक, कितने 140 किलोमीटर की सीमा तक साथियों लक्ष्य को मार सकता है। कितने 140 किलोमीटर की सीमा तक साथियों यह मार कर सकता है फतेहवन जो है साथियों, यह 140 किलोमीटर की सीमा तक मार कर सकता है। 140 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है साथियों कि सीमा तक के लक्ष्य को यह मार सकता है। यह फतेहवन से संबंधित जानकारी। पाकिस्तान साथियों फतेहवन जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है यह गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। फतेहवन हथियार जो है साथियों यह दुश्मन के इलाके में पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम होगा। और इसकी अगर मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 140 किलोमीटर होगी, 140 किलोमीटर की सीमा में इसकी मारक क्षमता होगी। अब अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें साथियों, तो हालांकि एग्जामिनर जल्दी कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी क्या पता उसकी मूड की बात है, हम लोग जान लेते हैं। तो पाकिस्तान के साथियों अगर राष्ट्रपति की बात करें तो पाकिस्तान के साथियों राष्ट्रपति आरिफ अलवी साथियों पाकिस्तान के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। और अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करें साथियों, तो इमरान खान जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं।
और राष्ट्रपति की बात करें तो आरिफ अलवी क्या हैं साथियों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ठीक, ये आज की सबसे पहली जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी है कि तौडेरा साथियों मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं। तौडेरा फिर से साथियों मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। अगली इन्फॉर्मेशन है तौडेरा मध्य अफ्रीकी गणराज्य के तौडेरा मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं कि राष्ट्रपति फिर से बने हैं साथियों। इनके अभी हम पूरी जानकारी की बात करते हैं साथियों। सबसे भी ये जानिए कि तौडेरा नाम है तौडेरा, ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य के क्या बने हैं साथियों, राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं। इनकी अगर बात करें साथियों तो पूरा नाम इनका है फॉस्टिन आर्कचेंज तौडेरा, फॉस्टिन आर्कचेंज तौडेरा, फॉस्टिन आर्कचेंज तौडेरा साथियों, क्या फॉस्टिन आर्कचेंज तौडेरा द्वारा 53% से अधिक मतों से चुनाव जीतने के बाद साथियों ये दोबारा कितने 53% मतों से इन्होंने चुनाव जीता साथियों, टोटल पाए हुए मतों का 53% मत इन्हें प्राप्त हुआ। 53% मतों से को प्राप्त करने के बाद साथियों ये दोबारा मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया। फॉस्टिन आर्कचेंज तौडेरा साथियों 53% मतों को हासिल करने के बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, फिर से राष्ट्रपति इन्हें चुना गया है। इनकी उम्र की बात करें साथियों तो इनकी उम्र कितनी है, तो फॉस्टिन आर्कचेंज तौडेरा की अगर उम्र की बात करें तो ये 63 ईयर्स के हैं। कितने 63 ईयर्स के हैं साथियों, ये राष्ट्रपति 2016 से सत्ता में हैं। 2016 से साथियों इन्हें अफ्रीकी मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सत्ता प्राप्त है, से राष्ट्रपति हैं साथियों। 2016 से ये राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर बात करें साथियों तो देश के विशाल हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हथियारबंद विरोधियों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये 63 वर्षीय राष्ट्रपति जो फॉस्टिन आर्कचेंज तौडेरा हैं, ये साथियों 2016 से सत्ता पे काबिज हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये फॉस्टिन आर्कचेंज तौडेरा देश के विशाल हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हथियारबंद विरोधियों से लगातार संघर्ष से जूझ रहे हैं। सोने और हीरे के उत्पादन साथियों अगर बात करें तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य की आबादी 4.7 मिलियन है। सोने और हीरे के उत्पादक मध्य अफ्रीकी गणराज्य की आबादी की बात करें, सोने और हीरे के उत्पादक मध्य अफ्रीकी गणराज्य की आबादी 4.7 मिलियन है। 4.7 मिलियन है। सोने और हीरे के उत्पादक बात करें अगर साथियों तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य की आबादी का 4.7 मिलियन है। ये साथियों जानकारी है कि फॉस्टिन आर्कचेंज तौडेरा मध्य अफ्रीकी गणराज्य के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक, अब अगर यहाँ पे और जानकारी की बात करें साथियों तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कैपिटल की अगर बात करें तो बुंकी है, और यहाँ की अगर करेंसी की बात करें साथियों तो अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। अर्थात यहाँ के मध्य अफ्रीकी गणराज्य
अर्थात सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी की बात करें साथियों, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रिपब्लिक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कैपिटल बुंकी है। क्या है? बुंकी है। और साथियों अगर यहाँ की क्या मुद्रा सॉरी करेंसी की बात करें अर्थात मुद्रा की करेंसी, तो करेंसी होगी साथियों क्या है, अफ्रीकन CFA फ्रैंक, CFA फ्रैंक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कैपिटल होगी साथियों यहाँ की अर्थात राजधानी होगी बुंकी, और यहाँ की करेंसी अर्थात मुद्रा होगी साथियों अफ्रीकन CFA फ्रैंक, यहाँ की क्या होगी फ्रैंक, यहाँ की साथियों मुद्रा होगी। ठीक, ये इंफॉर्मेशन थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि IHS मार्केट ने क्या किया है साथियों, वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.9% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। एक साथियों वित्तीय सेवा कंपनी है, लंदन की है, कहाँ की, लंदन की वित्तीय सेवा कंपनी है, लिखेंगे हम लोग IHS मार्केट ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.9% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। साथियों लंदन की एक वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका नाम IHS है। क्या है? IHS मार्केट ने क्या किया है साथियों, भारत का जो वित्त वर्ष है 2021-22, इसमें भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसने 8.9% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ने का अनुमान जताया है। भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने का साथियों अनुमान जताया है, जो कि लंदन की एक वित्तीय सेवा कंपनी है, इसने ऐसा अनुमान जताया कि साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.9% की दर से वृद्धि का अनुमान इन्होंने जताई है। अनुमान साथियों भारत द्वारा 2020 की आखिरी तिमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियों में आए महत्वपूर्ण सुधार पर आधारित किया गया है। अब अगर साथियों हम की बात करें IHS मार्केट के CEO की बात करें साथियों तो इसके CEO हैं लांस, क्या नाम है, लांस उगला इसके CEO हैं। और साथियों इसका मुख्यालय की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में इसका साथियों हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय है साथियों लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में है। और साथियों इसकी स्थापना की बात करें,
IHS मार्केट कंपनी की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में की गई। इसकी स्थापना साथियों 1959 में किया गया। IHS मार्केट कंपनी की स्थापना 1959 में किया गया। इसका मुख्यालय साथियों अगर बात करें तो इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में है, और इसके CEO की बात करें तो लांस ओगाला इसके CEO हैं। इसने साथियों जो IHS मार्केट कंपनी है लंदन की है साथियों, यह एक कौन सी है, वित्तीय सेवा कंपनी है। इसने साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमान जताया है कि भारतीय जो वित्त वर्ष रहेगा और जो वित्त वर्ष 2021-22 रहेगा साथियों, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 8.9% की दर से बढ़ने का अनुमान इन्होंने जताया है। 8.9% की दर से, ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी है साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ इसे, नीचे आप लोग नोट करते रहिए, मैं थोड़ा थोड़ा मिटाता रहूँगा, मेरा भी काम होता रहेगा। अगली इन्फॉर्मेशन है बंधन बैंक से रिलेटेड। बंधन बैंक ने साथियों सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। याद रखिएगा, बंधन बैंक ने क्या किया साथियों, सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया। बंधन बैंक ने क्या किया साथियों, सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है। शौर्य सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है साथियों बंधन बैंक ने, किसके लिए, सेना के जवानों के लिए। साथियों निजी क्षेत्र के बंधन बैंक की अगर बात करें, बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए साथियों, सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बैंक ने साथियों इस साझेदारी के तहत सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट की सेवा प्रदान करेगा। बंधन बैंक साथियों जो शौर्य सैलरी अकाउंट होगा, इसमें जीरो बैलेंस खाता होता, यानी इसमें कोई भी मेंटेन चार्ज इसमें नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा साथियों, खासियत जो शौर्य सैलरी अकाउंट रहेगा, इसमें मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, इसमें साथियों मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ा फायदा होगा। और जीरो बैलेंस पे, किस पे साथियों, जीरो बैलेंस पे इसका अकाउंट खुलेगा, जीरो बैलेंस पर साथियों अकाउंट ओपन होगा, साथ ही साथ इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा कि आप इतना पैसा रखना है आपको अपने अकाउंट में या नहीं रखना है। इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो शौर्य सैलरी अकाउंट कर्मियों और उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करेगा। शौर्य सैलरी अकाउंट जो होगा वो जो सेना के कर्मी होंगे उनके और साथ ही साथ उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा, और उन्हें साथियों अन्य विशेष सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। जैसे अगर बात करें तो 1,00,000 रुपये से अधिक शेष राशि पर 6% ब्याज दर, और ATM में साथियों असीमित मुक्त लेन देन कर सकेंगे। इस अकाउंट के अंतर्गत साथियों कहा गया कि इसमें विशेष सेवा के अंतर्गत अगर बात करें साथियों, तो अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये है, कितने 1,00,000 रुपये है साथियों, तो आपको ब्याज दर कितना मिलेगी, आपको ब्याज दर साथियों 6% दिया जाएगा, 6% ब्याज दर मिलेगी,
अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आपको कितना मिलेगा साथियों, 6% ब्याज दर मिलेगी। साथ ही साथ एटीएम से असीमित लेन देन कर सकेंगे, असीमित लेन देन कर सकेंगे, एटीएम से असीमित लेन देन भी आप कर सकेंगे। और साथियों अगर बात करें तो 100 रुपये वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। लगने वाले वार्षिक शुल्क पर छूट दी जाएगी। जो साथियों 100 रुपये वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड का चार्ज लगता है, कौन सा, 100 रुपये वीजा, 100 रुपये वीजा प्लेटिनम कार्ड का चार्ज मुफ्त रहेगा। क्या रहेगा साथियों, मुफ्त। 100 रुपये वीजा प्लेटिनम कार्ड जो साथियों बनता है सेना कर्मियों का, उनका चार्ज जो लगता था साथियों वो चार्ज नहीं लगेगा, चार्ज मुक्त रहेगा। क्या रहेगा, चार्ज मुक्त रहेगा, उसका चार्ज आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा जो भी सेना कर्मी रहेंगे। साथ ही साथ साथियों असीमित NEFT, RTGS, IMPS या DD का लेन देन भी कर सकेंगे। इसमें एक सुविधा और दिया गया साथियों कि अनलिमिटेड अर्थात असीमित NEFT, RTGS, NEFT, RTGS साथ ही साथ DD और साथियों अगर बात करें तो IMPS लेन देन कर सकेंगे, IMPS लेन देन, IMPS लेन देन साथियों असीमित रूप से इसमें NEFT भी कर सकते हैं, RTGS भी कर सकते हैं, DD भी बनवा सकते हैं और IMPS का भी इसके अंतर्गत भी असीमित लेन देन भी आप लोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी साथियों। इसमें अगर बात करें तो खाता धारक की अगर आकस्मिक मृत्यु होती है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर खाता धारक की आकस्मिक मृत्यु होती है साथियों तो 30 लाख रुपये का मुक्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा इसके अंतर्गत दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा इसके अंतर्गत, जो और साथियों बंधन बैंक फैसिलिटी दे रही है वो ये दे रही है कि अगर जिसका अकाउंट होल्डर है साथियों, अकाउंट होल्डर की अगर आकस्मिक मृत्यु होती है, आकस्मिक मृत्यु होते होने पर साथियों क्या दिया जाएगा, 30 लाख रुपये का मुक्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा साथियों, 30 लाख रुपए का मुक्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, दुर्घटना बीमा साथियों दिया जाएगा इसके अंतर्गत। और अगर बात करेंगे साथियों तो 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना कवर इसी में रहेगा। क्या क्या रहेगा, 1 करोड़ रुपए साथियों, 1 करोड़ रुपए का क्या रहेगा साथियों, हवाई दुर्घटना इसी में रहेगा। अर्थात अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज से अगर आप यात्रा कर रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना इसी के अंतर्गत कवर किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों एक आश्रित बच्चे को 4 साल तक प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का मुक्त शैक्षिक लाभ भी दिया जाएगा। इसी के साथ साथ साथियों तीसरी सुविधा और दिया गया, जो सबसे बड़ी सुविधा है कि एक जो भी साथियों जो सेना कर्मी रहेगा, जो कि 100 रुपये सैलरी अकाउंट अपना ओपन करवाएगा साथियों बंधन बैंक में, उसे और एक सुविधा दिया जाएगा जिसके अंतर्गत रहेगा कि एक जो आश्रित बच्चा रहेगा, एक आश्रित बच्चे को 4 साल तक प्रतिवर्ष 4 साल तक प्रतिवर्ष साथियों 1 लाख रुपए का मुक्त शैक्षिक लाभ भी दिया जाएगा, 1 लाख रुपए का मुफ्त शैक्षिक लाभ भी दिया जाएगा। एक लाख रुपए तक का साथियों शैक्षिक लाभ, अर्थात
प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक की पढ़ाई का जो खर्चा होगा वो बंधन बैंक उठाएगी। क्या करेगी, 4 साल तक मृत्यु के साथ बाद साथियों एक आश्रित बच्चे को, मृत्यु के बाद एक आश्रित बच्चे को 4 वर्ष तक के लिए, 4 वर्ष तक के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक का जो शैक्षिक साथियों मतलब खर्चा होगा, शिक्षण का जो खर्चा होगा साथियों, पढ़ाई का जो खर्चा होगा वो बंधन बैंक के द्वारा उठाया जाएगा। ठीक साथियों, मैंने आपसे बताया, क्या बताया साथियों कि बंधन बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा साथियों कि मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, साथ ही साथ 0 बैलेंस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसी के बाद साथियों अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रहता है, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रहता है साथियों, तो उस पर 6% की ब्याज दर आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ ATM से असीमित आप लेन देन भी कर सकेंगे, कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी बार लेन देन करें या ना करें। अगली बात कहा गया साथियों कि जो सौर्य वीजा प्लेटिनम कार्ड बनता है साथियों, उसका भी चार्ज नहीं लगेगा। सौर्य वीजा प्लेटिनम कार्ड जो बनता है उसका भी चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ साथियों असीमित रूप से आप अपने इस सौर सैलरी अकाउंट से NEFT, RTGS, DD तथा IMPS के तहत लेन देन कर सकते हैं असीमित रूप से। उसके बाद इसके अंतर्गत साथियों फैसिलिटी और दिया गया कि आकस्मिक मृत्यु अगर होती है, सौर सैलरी अकाउंट होल्डर जो रहेगा साथियों, उसकी अगर आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद 30 लाख रुपए तक का मुफ्त व्यक्तिगत बीमा इसके अंतर्गत दिया जाएगा। कितना, 30 लाख रुपए तक का साथियों अगर आकस्मिक मृत्यु होती है तो मुफ्त में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हवाई यात्रा करते समय कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, हवाई यात्रा करते समय अगर आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो उस दौरान 1 करोड़ रुपए सौर सैलरी अकाउंट होल्डर को दिया जाएगा। इसके बाद एक और सबसे बड़ी बात यह किया गया बंधन बैंक के साथ साथियों, बंधन बैंक ने किया कि मृत्यु होने के बाद एक आश्रित बच्चे को, जो सेनाकर्मी होगा साथियों जिसका सौर सैलरी अकाउंट ओपन होगा बंधन बैंक में, वो साथियों एक आश्रित बच्चे को 4 वर्ष के लिए, बहुत बड़ी बात है साथियों, 4 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक का जो पढ़ाई का खर्चा होगा वो बंधन बैंक उठाएगी। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। अब अगर हम बंधन बैंक की बात करें साथियों, तो बंधन बैंक के अगर हम MD एंड CEO की बात करें, बंधन बैंक के MD एंड CEO की बात करें साथियों, तो इसके MD एंड CEO हैं चंद्रशेखर घोष। क्या नाम है, चंद्रशेखर घोष, चंद्रशेखर घोष साथियों बंधन बैंक के MD एंड CEO हैं। और साथियों इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। बंधन बैंक का साथियों अगर मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें साथियों, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल साथियों इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना की बात करें साथियों, बंधन बैंक की अगर स्थापना की बात करें साथियों, तो इसकी स्थापना 2001 में किया गया, इसकी स्थापना 2001 में किया गया, बंधन बैंक की स्थापना 2001 में किया गया। और इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर साथियों पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। और बंधन बैंक के MD एंड CEO अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर घोष जी हैं। कौन है, चंद्रशेखर घोष जी हैं। ठीक, अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें साथियों, तो अगली जानकारी है कि अभिषेक यादव को साथियों, अभिषेक यादव को AIFF का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन है अभिषेक यादव को, अभिषेक यादव को AIFF का पहला उप महासचिव
पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है? अभिषेक यादव को साथियों AIFF का पहला उप महासचिव, कौन सा पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है? AIFF का मतलब हुआ साथियों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का साथियों अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव अभिषेक यादव को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक साथियों, भारत के पूर्व स्ट्राइकर हैं साथियों, अभिषेक यादव की बात करें तो भारत के पूर्व स्ट्राइकर हैं, भारत के पूर्व स्ट्राइकर, भारत के पूर्व स्ट्राइकर हैं साथियों अभिषेक यादव जी। ये भारत के पूर्व स्ट्राइकर अभिषेक यादव को खेल निकाय द्वारा पदानुक्रम में एक नया पद बनाने के फैसले के बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। इनकी उम्र की बात करें साथियों तो अभिषेक यादव की उम्र 40 वर्ष है। कितने 40 ईयर के हैं साथियों अभिषेक यादव जी, 40 ईयर के हैं। 40 वर्षीय साथियों पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, फुटबॉल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं साथियों, जो कि भाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, महेश गौली और क्लाइमेक्स लॉरेंस के साथ खेल चुके हैं। ये जनवरी 2018 में राष्ट्रीय टीम के निदेशक के रूप में भी 2018 से साथियों राष्ट्रीय टीम के निदेशक के रूप में ये काम कर रहे हैं। अभिषेक यादव की अगर बात करें साथियों तो ये 2018 से साथियों क्या कर रहे हैं, 2018 से राष्ट्रीय टीम के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय टीम के निदेशक के रूप में। काम कर रहे हैं 2018 से निदेशक के रूप में भी ये काम कर रहे हैं साथियों। और अगर बात करें तो इसके अलावा अगर अभिषेक यादव जी की बात करें तो ये मुख्य कोच लुइस नार्टन डे मारोस के साथ मिलकर 2017 में अंडर 17 भारतीय विश्व कप की टीम के मुख्य परिचायक अधिकारी अर्थात COO के रूप में भी इन्होंने काम किया। अभिषेक यादव की बात करें तो जो साथियों मुख्य कोच हैं जिनका नाम है लुइस नार्टन डे, क्या है लुइस नार्टन डे मारोस के साथ मिलकर ये 2017 के अंडर 17 भारतीय विश्व कप टीम के मुख्य परिचायक अधिकारी के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा को दिया है। ठीक साथियों, और अगर अब इससे संबंधित अन्य जानकारी की आप ये याद रखिए कि अभिषेक यादव जी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अर्थात AIFF का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। यह एक नया पद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में साथियों जो उप महासचिव का पद है यह अभी हाल ही में एक नया पद बनाया गया है, ठीक, जिसके पहले उप महासचिव अभिषेक यादव जी हैं। वर्तमान में ये 2018 से राष्ट्रीय टीम के फुटबॉल की जो राष्ट्रीय टीम है भारतीय टीम साथियों उसके निदेशक के रूप में भी ये वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। ठीक, भारत के पूर्व स्ट्राइकर हैं, इनकी उम्र 40 वर्ष है इस समय। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, अगर किसकी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन के साथियों अगर अध्यक्ष की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल, कौन साथियों प्रफुल्ल पटेल इसके क्या हैं अध्यक्ष हैं, प्रफुल्ल पटेल साथियों इसके अध्यक्ष हैं, किसके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। और साथियों इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो सुब्रत दत्ता,
इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो सुब्रत दत्ता साथियों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना की बात करें साथियों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 को किया गया। इसकी स्थापना साथियों 23 जून 1937 को इसकी स्थापना किया गया। और मुख्यालय की बात करें साथियों तो दिल्ली के द्वारिका साथियों सिटी में इसका क्या है, दिल्ली के द्वारिका सिटी में इसका मुख्यालय है, अर्थात हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली द्वारिका द्वारिका दिल्ली द्वारिका दिल्ली में इसका क्या है साथियों, इसका मुख्यालय है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। और इसकी स्थापना 23 जून 1937 को किया गया। और इसके उपाध्यक्ष सुब्रत दत्ता हैं और अध्यक्ष इसके प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक साथियों, कौन है, प्रफुल्ल पटेल इसके अध्यक्ष हैं। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो रमेश पोखरियाल निशंक जी जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ने साथियों अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडूकॉन 2020 का शुभारंभ किया वर्चुअल माध्यम से। अगली इन्फॉर्मेशन है, सारे करंट अफेयर आप लोग नोट किया करिए अपनी नोटबुक में और उसे रिवीजन भी किया करिए। बिना रिवीजन के आप कितना भी पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट, करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो उसके पढ़ने का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों कि रमेश पोखरियाल निशंक ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, लिख देता हूँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साथियों अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन जिसका नाम है साथियों एडूकॉन 2020 का वर्चुअल माध्यम से क्या किया साथियों, वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन जिसका नाम एडूकॉन 2020 है, क्या नाम है, एडूकॉन 2020 है, इसका शुभारंभ किया। ठीक साथियों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या तो वर्चुअल माध्यम से, दोनों एक ही बात हुई, 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडूकॉन 2020 का शुभारंभ किया। यह साथियों 2 दिनों तक चलेगा, कितने, यह साथियों 2 दिवसीय रहेगा, एडूकॉन जो सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन, यह 2 दिवसीय रहेगा, 2 दिवसीय सम्मेलन है, 2 दिवसीय सम्मेलन है साथियों, 2 दिनों तक चलेगा। और अगर बात करें साथियों तो यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब बठिंडा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है यह किसके सहयोग से अगर बात करें तो ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन
ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब बठिंडा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पंजाब बठिंडा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से, ठीक, किसके, ये जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडोकॉन सम्मेलन है, साथियों अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडोकॉन सम्मेलन है, या किसके सहयोग से, ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, ग्लोबल एजुकेशन ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से, साथियों कहाँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के बठिंडा द्वारा, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के बठिंडा द्वारा साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक साथियों। साथियों एडोकॉन के, अगर इसके मुख्य विषय की बात करें, किसका, एडोकॉन का मुख्य विषय एडुकॉन 2020 का मुख्य सब्जेक्ट की बात करें, एडुकॉन 2020 के अगर मुख्य सब्जेक्ट की बात करें साथियों, तो इसका मुख्य सब्जेक्ट होगा इसका मुख्य सब्जेक्ट है साथियों इन विजियोइंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर यूथ टू रिस्टोर यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस यानी अगर इसकी हिंदी की बात करें, इन विजियोइंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, याद रखिएगा एडुकॉन 2020 का जो अगर साथियों मुख्य सब्जेक्ट है, एडुकॉन 2020 का मुख्य सब्जेक्ट की बात करें तो इसका मुख्य सब्जेक्ट है इन विजियोइंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, यानी अगर इसकी हिंदी की बात करें साथियों तो इसकी हिंदी होगी, मतलब इसका कहने का मतलब है कि वैश्विक शांति को हिंदी में अगर इसके सब्जेक्ट की बात करें तो इसका सब्जेक्ट है वैश्विक शांति को साकार करने को वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना युवाओं में बदलाव के लिए
बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा की संकल्पना इसकी साथियों मुख्य विषय की बात करें तो है इविज्योइंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। हिंदी है वैश्विक शांति को साकार करने को, वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना को पैदा करना इसका मुख्य सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है। यह साथियों जो एडुकान सम्मेलन है, यह एडुकान सम्मेलन भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है। यह साथियों भारत में अगर बात करें जो ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब बठिंडा में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन साथियों अगर बात करें तो भारत में यह इसका पहला भारत में साथियों इसका यह आयोजन भारत में यह पहला आयोजन है। कौन सा पहला आयोजन है साथियों भारत में यह इसका। और अगर बात करें तो यह दुनिया भर के विद्वान लगातार 31 घंटे तक बिना रुके मैराथन संवाद सत्र इसके में करेंगे। इसमें अगर बात करें कि क्या किया जाएगा तो इसमें जो दुनिया भर के विश्व भर के साथियों जो विद्वान होंगे वो 31 घंटे तक विश्व भर के जो विद्वान होंगे साथियों विश्व भर के जो विद्वान होंगे वह 31 घंटे कितने 31 घंटे तक साथियों क्या करेंगे बिना रुके मैराथन संवाद सत्र इसमें करेंगे। साथ ही साथ भारत में समान गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा में ICT के उपयोग की संभावना कोई भी तलाश करेंगे। ये जो भारत की समान गुणवत्ता वाली शिक्षा है इसमें बदलाव देने के बाद साथियों उच्च शिक्षा में ICT के उपयोग की संभावना को भी तलाशने का काम करेंगे। इसके अलावा साथियों सम्मेलन 2050 तक उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के संभावित परिदृश्य जो 2050 तक होगा साथियों यह उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के जो संभावित परिदृश्य होंगे अर्थात यस टीम अर्थात साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट एंड मैथमेटिक्स शिक्षा के लिए नवीन तकनीकी के विकास विश्वविद्यालय में भविष्य की नौकरियों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण भावी स्नातकों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम साथ ही साथ 21वीं सदी में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के औचित्य जैसे शिक्षा में उभरते रुझानों पर विचार विमर्श करने का एक मंच उपलब्ध कराएगा। इसमें यह भी कहा गया साथियों यह जो एडुकान सम्मेलन होगा इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ और बताया गया कि इस सम्मेलन में इसके अलावा सम्मेलन में 2050 तक क्या किया जाएगा साथियों उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के संभावित परिदृश्य में यस टीम बताया गया साथियों अर्थात साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग साथ ही साथ आर्ट एंड मैथमेटिक्स में साथियों क्या करेंगे शिक्षा के नवीन तकनीकी के विकास के लिए बात करेंगे। विश्वविद्यालय के भविष्य की नौकरियों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भावी स्नातकों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 21वीं सदी में प्राचीन शिक्षा के औचित्य जैसे जो भी शिक्षण से उभरते हुए रुझान होंगे उस पर भी विचार विमर्श करने का यह एक मंच होगा। यह क्या होगा साथियों यह एक मंच होगा। ठीक साथियों
तो ये जानकारी थी कि अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान 2020 का वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुभारंभ किया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा साथियों। इसमें दुनिया भर के जो भी विद्वान होंगे 31 घंटे तक साथियों क्या करेंगे, लगातार मैराथन संवाद सत्र इसमें आयोजित किए जाएंगे, जिसमें साथियों क्या होगा, भारत में समान गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है उसे बढ़ावा देने के लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा। यह साथियों जो एडोकान सम्मेलन है यह भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसका साथियों इसका आयोजन ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से, किसके, ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब बठिंडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अगर मुख्य सब्जेक्ट की बात करें तो इसका मुख्य सब्जेक्ट है साथियों इविज्योइंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, अर्थात वैश्विक शांति को साकार करने को, युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना को प्रदान करना इसका क्या होगा, इसका मुख्य विषय होगा। ठीक साथियों, ये इससे रिलेटेड क्या थी, इन्फॉर्मेशन थी। ठीक साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन है कि वयोवृद्ध प्रोफेसर चित्रा घोष का निधन हो गया। काफ़ी वृद्ध वह प्रोफेसर हैं साथियों, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम चित्रा घोष है, वयोवृद्ध प्रोफेसर। चित्रा घोष का निधन हो गया, वयो घोष साथियों जिनका वयो सॉरी वयोवृद्ध प्रोफेसर चित्रा घोष का निधन हो गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये भतीजी हैं साथियों। कौन है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, चित्रा घोष की अगर बात करें तो नेताजी कौन, सुभाष चंद्र बोस, मूछ वाले सुभाष चंद्र बोस साथियों, इनकी भतीजी हैं, सुभाष चंद्र बोस की भतीजी हैं साथियों चित्रा घोष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा घोष जो कि क्या हैं, प्रख्यात शिक्षाविद हैं। चित्रा घोष का निधन हो गया। इन्होंने साथियों शिक्षाविदों और सामुदायिक सेवाओं में अग्रणी योगदान दिया है और युवाओं को पढ़ाने और प्रेरित करने के लिए भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रोफेसर बोस की अगर बात करें साथियों, अर्थात चित्रा बोस की अगर बात करें साथियों तो कोलकाता के लेडी ब्रेवार्न कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग की पूर्व प्रमुख भी रही हैं, अर्थात ये चोटी रही हैं। कौन सी, लेडी ब्रेवार्न कॉलेज कोलकाता। चित्रा घोष की बात करें साथियों तो लेडी ब्रेवार्न कॉलेज, लेडी ब्रेवार्न कॉलेज कोलकाता राजनीति विज्ञान विभाग की पूर्व प्रमुख रही हैं, राजनीति विज्ञान की एचओडी रही हैं, HOD अर्थात हेड ऑफ डिपार्टमेंट राजनीति विज्ञान की, लेडी ब्रेवार्न कॉलेज कोलकाता में साथियों। चित्रा बोस की अगर बात करें तो चित्रा बोस जी लेडी ब्रेवार्न कॉलेज कोलकाता में राजनीति विज्ञान की एचओडी रही हैं, अर्थात विभागाध्यक्ष रही हैं। क्या रही हैं, विभागाध्यक्ष। इनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। अगली और अंतिम जानकारी, एक जानकारी और है साथियों, उसे आप लोग ले लीजिए, लिख लीजिए। अगली इन्फॉर्मेशन है कि जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, कौन, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, कौन है उपराज्यपाल साथियों, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा ने साथियों क्या किया है, मनोज सिन्हा ने सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है।
सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साथियों सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के कहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल को लॉन्च किया। सतर्क नागरिक के साथ साथ इसने साथियों विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल अधिकारी पोर्टल को लॉन्च किया है इन्होंने साथियों, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी ने। उपराज्यपाल ने कहा साथियों कि यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी प्रशासन पारदर्शी जवाबदेही और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रसार कर रहा है, जिसके लिए सतर्कता नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल को लॉन्च करने का काम किया है। लॉन्च किए गए साथियों नए मोबाइल एप्लीकेशन की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार के बारे में आसानी से जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही साथ नागरिकों को आसानी से गतिशीलता के साथ अपनी शिकायत भेजने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है। इसे विकसित करने का उद्देश्य है साथियों कि जो भी भ्रष्टाचार होगा उसके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकेगी, साथ ही साथ नागरिकों को आसानी और गतिशीलता के साथ उनकी शिकायत जो होगी वह भेजने में सक्षम बनाएगा। एंड्रॉयड डिवाइस रखने वाला कोई भी नागरिक होगा साथियों वो प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। जो यह सतर्कता नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन है, यह जो भी व्यक्ति एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। शिकायत के पंजीकरण के समय अगर बात करें साथियों तो एक विशिष्ट आईडी नंबर आवंटित किया जाएगा। जिसके बाद साथियों शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मतलब जब आप शिकायत करेंगे तो आपको एक आईडी नंबर दिया जाएगा अर्थात पंजीकरण संख्या दिया जाएगा साथियों। उस पंजीकरण संख्या से शिकायत करने के बाद आपके शिकायत की स्थिति क्या है इसकी आप जानकारी उस पंजीकरण संख्या से अर्थात आईडी नंबर से आप प्राप्त कर सकेंगे। साथियों विभागीय सतर्कता अधिकारी अर्थात DVO पोर्टल की अगर बात करें तो इसे विभिन्न विभागों के साथियों सतर्कता अधिकारियों अर्थात विभागीय सतर्कता अधिकारियों के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल सक्षम करने के लिए डिवाइस डिजाइन किया गया है। ये जो साथियों विभागीय सतर्कता अधिकारियों की अगर बात करें के लिए ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें जो विभागीय अधिकारी होंगे वो इसके माध्यम से ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल को सक्षम बना सकेंगे। साथ ही साथ कुछ मामलों में शिकायतें चल रहे कार्यों वर्तमान भर्तियों और अनुबंधों के विरुद्ध किए जाने वाले भुगतानों से संबंधित भी यह होगा। ठीक साथियों, तो ये साथियों आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण से साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से विस्तार के साथ पढ़ने का काम किया। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जितनी भी चीज़ें यहाँ आपको बताई गई हैं आप लोगों को अच्छे से पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, कोई डाउट है, तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे शेयर करिए। मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ साथियों क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों,
जानकारी के लिए बता दूं कि आपके अपने ही YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट सी टेट एंड सुपर टेट के लिए 3 क्लासें प्रत्येक दिन दी जाती हैं। एक क्लास सुबह 10 बजे के नियर अबाउट आप लोगों को बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की, दूसरी क्लास दोपहर 2 से 3 बजे के नियर अबाउट हिंदी की, तीसरी क्लास शाम रात में 7 से 8 बजे के नियर अबाउट आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के पार्ट में, 3 दिन हिस्ट्री 3 दिन ज्योग्राफी, प्रत्येक दिन क्लासें आप लोगों को दी जा रही है। अगर वो क्लास नहीं लिए हैं तो क्लास भी आप लोग जरूर लीजिए यूपी टेट सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड बैच के लिए साथियों, या कोई भी अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं किसी भी स्टेट का तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होगी। उसका लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर सभी क्लासों की प्रॉपर विधिवत विस्तार के साथ साथियों थ्योरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप क्लासों को ले सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़े, आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए, मैं किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को भी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।